pseudocyst of pancreas या collection of fluid in pancreas यह एक ऐसी condition है जो भी patient chronic pancreatitis से ग्रसित है, बार-बार उनको इस तरह के attacks आते जा रहे हैं। इन group के लोगों में chronic pancreatitis और progress करता है और disease आगे बढ़ती है और उन लोगों में as a complication pseudocyst form होता है। pseudocyst क्या होता है? एक तरह का bag है, cyst मतलब bag, जिसके अंदर फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है और ये फ्लूइड छोटे साइज से लेके बड़े साइज का भी हो सकता है। इसकी वजह से पेशेंट को कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन होता है, कई बार पेन इतना अधिक होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इस ग्रुप के लोग हॉस्पिटलाइज हो करके पेन को रिड्यूस करते हैं और ऐसे लोगों को डॉक्टर द्वारा सर्जरी कराने की एडवाइस दी जाती है कि सर्जरी करा के आप इस हिस्सा को क्योर कर लीजिए। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर, जहाँ दुनिया भर से हजारों से ज्यादा लोग क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के साथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हमारा खुद का एक एक्सपर्टाइजेशन है इस तरह की कंडीशन में, जहाँ पे हम बिना किसी सर्जरी के स्टूडोसिस्ट या कलेक्शन ऑफ फ्लूइड को होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर करते हैं। और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, आप जब इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन भी क्योर होने लगती है और ओवर अ पीरियड आप देखेंगे कि डिजीज भी आगे बढ़ना रुक गई है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है वो भी क्योर हो जाता है और आप फिजिकली काफी हेल्दी फील करते हैं, आप एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और आपके रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो जो भी इस ग्रुप के लोग हैं जहाँ पे pseudocyst या fluid collection है और सर्जरी की एडवाइस दी गई है, आप जरूर ब्रह्म होम्योपैथी का ट्रीटमेंट फॉलो करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बिना किसी सर्जरी के सिर्फ मेडिसिन से आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं जो pseudocyst of pancreatitis से परेशान थे और ब्रह्मा होम्योपैथी में ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुशवाहा ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से और मैं आज आपको pseudocyst के क्योर के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दूंगा, जहाँ पे मैं एक केस बताऊंगा आपको विथ रिपोर्ट और उसमें किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना किसी सर्जरी के pseudocyst को क्योर किया गया उसके बारे में आपको आइडिया दूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट्स को देखते हैं। मिस्टर प्रतीक जगताप जो मुंबई से हैं, ये रिपोर्ट है 7 अप्रैल 2022 की। इस रिपोर्ट में जब आप देखते हैं तो पैनक्रियाज हेड एंड एडजेसेंट बॉडी ऑफ द पैनक्रियाज अपीयर थिन, मतलब हेड और बॉडी पैनक्रियाज का थिन है यानी एट्रॉफी दिखाई दे रहा है। 65x41x47 mm थिक वॉल्ड pseudocyst, मतलब 65x41x47 mm का pseudocyst दिखाई दे रहा है। pseudocyst का साइज़ ये बड़ा कहलाएगा, छोटे साइज़ का नहीं है ये। तो ये 7 अप्रैल 2022 को मिस्टर प्रतीक जी, जो हमसे ऑनलाइन यूट्यूब से वीडियो देख के प्रभावित हुए और इन्होंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहा। इनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया तो इनको जो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है, जैसे कि एब्डोमन पेन, ऑयली स्टूल, पेन जो है बैक की तरफ रेडिएट करना, डाइजेशन में डिफ़िकल्टी रहना, ये सारी समस्याएं थी। इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के एक या दो महीने के अंदर ही इनके सारे लक्षण आराम होने लगे और जैसे जैसे मेडिसिन इनका हर महीने भेजा गया, इनमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। और हमने दोबारा से जब इनका एक अल्ट्रासाउंड करवाया तो जब आप रिपोर्ट देखेंगे 13 फरवरी 2023 लगभग मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी लगभग 10 महीने के बाद मिस्टर प्रतीक जगताप और इनके रिपोर्ट्स को आइए हम देखते हैं। पैनक्रियाज इज़ एसेंशियली नॉर्मल, जो थिन था, जो एट्रोफी दिखाई दे रहा था पैनक्रियाज, वो अब नॉर्मल दिख रहा है। नो कैल्सिफिकेशन वॉज सीन एंड नो pseudocyst इज सीन। अब जो pseudocyst वहाँ पे एक 65x47x41 का एक बड़े साइज़ का जो pseudocyst था, वो 10 महीने के इलाज के बाद कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया। अब इस केस में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको सर्जरी की
सलाह दी जाएगी कि भाई सूडोसिस्ट कैसे निकलेगा इतने बड़े साइज का विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन, विदाउट एनी अदर प्रोसीजर। सो ये एक रिपोर्ट है जो मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है सिर्फ ये बताने के लिए कि यदि आपको सूडोसिस्ट है और अगर आपको सर्जरी की एडवाइस दी जा रही है तो आप पहले ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड नेचर सेंटर की मेडिसिन आप यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ये रिपोर्ट को मात्र एक एविडेंस की तरह यहाँ प्रेजेंट किया गया है कि जो पेशेंट एक्यूट पैनकेटाइटिस, क्रॉनिक पैनकेटाइटिस, एट्रोफी या सूडोसिस्ट या कैल्सिफिकेशन जैसी समस्याओं से ग्रसित है, उनके मन में एक उम्मीद बने रहे, उनके अंदर भरोसा बने रहे कि होम्योपैथिक मेडिसिन से भी इस तरह की कंडीशन को क्योर किया जा सकता है। थैंक यू।